लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे, एज रिस्ट्रिक्शन पे जो है आज बात करेंगे। बेरोजगारी तो आप लोगों को पता है, जिस तरह जो हमारे यूथ के बच्चे किस तरह नौकरियों के बिना है, तो आज किसी चीज पे बात करने के लिए प्रेस वार्ता जो यहाँ पे रखी थी, चलिए बात करते हैं। आज अपने प्रेस वार्ता छोटे किस चीज को लेकर रखी है, एज रिस्ट्रिक्शन को लेकर रखी है, क्या मुद्दे हैं आप? मैम हम जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है ना, ये लास्ट मार्च मार्च से हम ये एज रिलैक्सेशन का मुद्दा लेके चल रहे हैं। जब ये सरकार नहीं बनी थी तब से हम एज रिलैक्सेशन का ये मुद्दा लेके चल रहे हैं। हम काफी बीजेपी के जो हमारे मिनिस्टर हैं, हाँ पहले हाँ काफी रखे मैम, बीजेपी के जितने भी हम बीजेपी के ऑफिस में गए हैं, हमारी एक ही मिनिस्टर थे बीजेपी की जिन्होंने हमारी काफी हेल्प की थी, वो थे सुखनंदन जी, आप जानते होंगे मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। उन्होंने हमारी बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक वहां पे पहुंचा दी, इवन कि एलजी से वो मिलके आए थे इस चीज को लेकर, और एलजी से मिलकर उन्होंने एक मेमोरेंडम हमारा जो कांस्टेबल प्लस एसआई का दोनों का वो दिया था, और एलजी सर ने ये भी बोला था कि हाँ हम इसके बारे में सोचेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। फिर मैम क्या हुआ कि हम काफी मीडिया के सामने, आपको पता होगा काफी कितनी बार हम एज रिलेक्शन के लिए आए, फिर क्या हुआ मैम लोकसभा के इलेक्शन आ गए, आपको पता है एमसीसी लग गया, फिर वो इलेक्शन, चलो हमने सोचा चलो इलेक्शन है उसके बाद देखेंगे। लोकसभा हुआ, जैसे लोकसभा के इलेक्शन खत्म है, हमारी स्टेट के हमारे यूटी के खुद के इलेक्शन वहां पे यहाँ पे आ गए, फिर एमसीसी लग गया, फिर मैम इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने रिक्रूटमेंट रोक दी, फॉर्म निकालना रोका, किस वजह से एक रिजर्वेशन रूल का सिस्टम चला था यहाँ पे एसटी को देने के लिए, उसके लिए कोई भी फॉर्म नहीं निकाला था, उसका भी एक चक्कर पड़ गया था, उस टाइम भी रिक्रूटमेंट नहीं निकली। फिर जाके इन्होंने जून में मैम कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट निकाली, जून में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकाली जो कि काफी एक बड़ी रिक्रूटमेंट है, 4002 वैकेंसी जो निकली हुई है। मैम जब वो वैकेंसी आती है और हम देखते हैं वहां पे एज रिलैक्सेशन कितनी, एज कितनी कितनी दी हुई है, 18 से 28 दी है, तो मैम हम काफी बच्चे काफी शॉक हो गए मैम। तो मैम मैं कहना चाहता हूँ ये जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट थी 2016 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, 2016 में मैम 2016 में हुई है, अब 24 में आप निकाल रहे हो, लगभग लगभग 8 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट निकल रहा है, तो मैम उसमें एज रिलैक्सेशन ही थी। तो मैम ये 8 साल के बाद आप रिक्रूटमेंट निकालो, आप खुद इतने एक कहते हैं एक हायर लेवल में जो बंदा बैठा होता है उसको काफी नॉलेज होती है कि आप 8 साल के रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो, आपको बच्चों को देख के निकालनी चाहिए। मैम आज 8 साल के रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए कि जो बच्चे 22 से 23 के थे वो 8 साल के बाद कौन सी एज में चले गए हैं, वो 30+ हो गए हैं या 30 हो गए या 28 हो गए, 28+ हो गए मैम, अब उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, अब उनके बारे में बिना सोचे आपने एक एक निकाल दी, चलो वो तो निकाल दी, चलो वो तो निकाल दी, हम उसके बाद हमें अपनी डिमांड रखना स्टार्ट कर दी। मैम डिमांड रखना ही स्टार्ट की थी इन्होंने उसके बाद सितंबर में, सिलेबस निकालने के बाद कुछ ही महीने, एक महीने के बाद एग्जाम डेट निकाल दी, वो भी 1 दिसंबर को मैम। और मैम नई चुनी सरकार ने हमें एक आश्वासन दिया था, जब सरकार नहीं बनी थी उसके पहले एक आश्वासन दिया था कि हम मैनिफेस्टो निकाला था कि हम यूथ के जो यूथ के लिए 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे, प्लस हम उनको एज क्राइटेरिया जो इन्होंने सेट किया है उसको एज रिलैक्सेशन उनको प्रोवाइड करेंगे, वो मैम हमें नहीं मिला। इवन कि हम सीएम सर के पास हमारी डेलीगेशन गई है, डेप्यूटी सीएम के पास हमारी डेलीगेशन गई है, सतीश शर्मा जी जो हमारे अभी इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो, उनके पास गए हैं मैम। इवन कि सीएम सर ने हमारा एक ट्यूट किया था, ट्विटर पे एक ट्यूट किया था मैं डेलीगेशन के लिए कि अपकमिंग जो कांस्टेबल की और अपकमिंग जो जेकेपीएसए की रिक्रूटमेंट है हम उसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, और जल्दी ही जल्दी उसका एक जो भी एक कोई कमीशन या कोई कमेटी बना के उस पर एक एक्शन लूंगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा और एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। मैम अभी तक वो कोई कुछ नहीं आ रहा, और 1 दिसंबर को पेपर आ रहा, हमारी चुनी सरकार से उम्मीद है ये कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी। तो देखिए नई सरकार चुनी है, जब हम लोगों ने, हमने पहले भी आपको कहा था कि नई सरकार चुनी है, लोगों ने बड़े विश्वास के साथ चुनी है कि लोगों को पता है कि हमारा आने वाले दिनों में यूथ की बात करें, आम जनता की बात करें, नई सरकार है हमारे आने वाले दिनों में जो है काम करेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पे, इन्हें भी जो है नई सरकार से काफी ज्यादा उम्मीद है। तो मैं यही कहूंगी सीएम साहब से, अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द जो है इस चीज का जो इनका हल निकालिए, और इनकी जो मुद्दे है वो जल्द से जल्द आप जो है ठीक करिए, ताकि ये जो चाहते हैं वो आप काम करें, और आगे की तैयारी भी है जो ये कर पाए। फिलहाल जितने भी लोग हमारे पास जुड़े हैं सुनने, तो वो अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, और जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े रहे, बने रहेंगे इंटरव्यू में। उसके बाद मैं ही मानी, धन्यवाद, जय हिंद।